मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चटनी बनाने का बहुत ही अलग तरीका शेयर कर रही हूँ। आप एक बार इस चटनी को बनाएंगे ना दोस्तों, तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ख़ास कर दोस्तों, इस चटनी को आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप किसी नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं। आप जैसे इडली बनाते हैं, आप चाहे तो पकौड़े बनाते हैं, उसके साथ भी आप इस चटनी को खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है। दही बिल्कुल ताज़ा ही दही लिया है मैंने, बिल्कुल बासी दही ना लें। और साथ ही साथ मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है। लहसुन की कम से कम 5 से 6 कलियाँ आपको लेना है। तो प्याज को बारीक काट लिया है, लहसुन को भी कद्दूकस कर लिया है। और दही में सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि चटनी की रंगत भी बढ़िया आए। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैंने 1 चम्मच और इसमें डाला है। और साथ ही हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब तीनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करें। 1 चम्मच नमक डाला है। तो ये 4 चीज़ हो गई हैं दही पर। बढ़िया अच्छा इसे मिक्स करके दही का बढ़िया अच्छा गाढ़ा हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप इस चटनी को जब बनाएंगे ना, तो खाने का स्वाद 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे कहने से आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं, और आपके घर में भी ये चटनी सबको पसंद आएगी। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब इस चटनी को बड़े ही चाव से खाएंगे। बिल्कुल अलग तरह की ही चटनी है। तो बस अब चलते हैं गैस की ओर। आप देख सकते हैं मैंने 1 कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डाला है। हल्का सा तेल गरम हुआ, उसके बाद मैंने हींग डाल दिया। बहुत तेज गरम तेल में हमें हींग नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हींग भी जल जाती है, वो खुशबू नहीं रहती है। हल्के गरम तेल में ही हींग डाला है। उसके बाद मैंने इसमें राई डाली है दोस्तों, और साथ ही साथ मैंने डाला है करायल। करायल बोलते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है ब्लैक क्यूमिन सीड। कलौंजी भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो कलौंजी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और हमें अपने बघार में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो 5 से 6 लहसुन की जो कलियां ली थी दोस्तों, उसे मैंने कद्दूकस किया है। बढ़िया अच्छा इसे सुनहरा करेंगे। और 3 से 4 मैंने मीठे नीम की पत्तियां करी लीव्स डाली है। इससे इस चटनी में और भी बढ़िया टेस्ट आता है। और प्याज जिसे बारीक काट के रखा है, हल्का गुलाबी करना है। आपको प्याज को ब्राउन नहीं करना है। तो अब आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छी प्याज की रंगत बदल गई है। और अब ये दही जिसमें हमने सब मसाले मिक्स कर दिए हैं, उसे इस प्याज वाले मसाले में डालना है। और बस गैस की फ्लेम इस समय स्लो करें, धीमी आंच पर। आपको इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाना है, जब तक इसमें बढ़िया अच्छा गाढ़ापन ना आ जाए और इसमें जो तेल है वो अलग दिखाई देने ना लग जाए। और इस चटनी को आप बनाकर कम से कम 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, ये चटनी खराब नहीं होती है। तो बस गैस की फ्लेम धीमी करी है, और बढ़िया अच्छा बीच बीच में इसे चलाती जा रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। वैसे आप इस चटनी को राजस्थान तरफ, इस चटनी को बहुत ज़्यादा खाया जाता, बहुत से लोग इसे राजस्थानी चटनी भी कहते हैं। वहाँ की बहुत ही स्पेशल चटनी है ये। अब आप देख सकते हैं चटनी में बढ़िया अच्छा गाढ़ापन आ गया है, और जो भी तेल है वो आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। वैसे भी जब भी हम किसी भी चीज़ में दही डालते हैं दोस्तों, तो हमें उस रेसिपी में कम ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि अपने आप दही डालने से उसमें तेल निकल जाता है, ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए दही वाली चीज़ों में थोड़ा ऑयल कम ही डालें। अब आप देख रहे हैं भूनते भूनते इसे कम से कम मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है, और चटनी में से बिल्कुल तेल बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा है। बस धीमी आंच पर हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी आप तीखा खाते हैं दोस्तों, तो 1 चम्मच मिर्च और डाल दें। मैंने भी यहाँ पर 1 चम्मच मिर्च और डाली है, ताकि चटनी की रंगत अच्छी आ जाए।
तो ये देखिए हमारी बढ़िया अच्छी चटनी बनकर तैयार है। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं दोस्तों, या फिर किसी भी नाश्ते के साथ, समोसे के साथ भी आप खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। और बनाकर भी आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं, एक वीक तक ये चटनी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे खूब अच्छी तरह से भून लिया है, सेक लिया है। ये देखिए अब इस चटनी को मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है, यकीन मानिए दोस्तों ये खट्टे स्वाद वाली, खट्टी वाली स्वाद वाली चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और जब आप इसे बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ ये चटनी की रेसिपी सबको कैसी लगी, आपको ये चटनी कैसी लगी। और आप मेरे कहने से इस चटनी को ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।